सोनभद्र के अनपरा थाना क्षेत्र के डिबुलगंज से दो दिन पहले संदिग्ध हाल में लापता युवती का शव देर रात जंगल में मिला। राहगीरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंचे एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह ने मौका मुआयना करते हुए आरोपी के जल्द गिरफ्तारी की बात की। वहीं परिजनों द्वारा पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार युवती की मां ने बताया कि बेटी की उम्र 22 साल है। सोमवार को अपने सहेली के घर जाने की बात कहकर निकली थी। इसके बाद से वो नहीं लौटी। जब खोजबीन शुरू की गई तो पता चला कि सहेली के घर से कोई लड़का उसे मारते पीटते ले गया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने छानबीन शुरू की। खोजबीन करते हुए पुलिस जंगल की ओर ले गई तो वहां युवती की लाश मिली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। इस मामले में अनपरा पुलिस की लापरवाही देखने को मिल रही है। पुलिस ने तहरीर मिलने के बाद भी सक्रियता दिखाई होती तो शायद लड़की की जान बचाई जा सकती थी। आरोपी प्रेमी मृतिका को सहेली के घर से मारते पीटते ले गया, तब भी फोन पर पुलिस को सूचना मिली थी, पर पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया। वही मामले पर मौके पर पहुंचे एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह ने बताया कि लड़की दो दिन से लापता थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश में लग गई है। आज सूचना मिली कि लड़की का शव जंगल में मिला है। मौके पर शव बरामद कर लिया गया है। परिजनों के तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच किया जा रहा है। आरोपी अभी फरार है, जल्द गिरफ्तारी कर ली जाएगी। थाना अनपरा में आज शाम को लगभग 7-8 बजे के लगभग एक महिला ने पुलिस को सूचना दी कि उसकी बेटी गीता और संजना खरवार, जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है, वो दो दिन से घर से लापता है और गांव के लोग और घर वाले उस लड़की को ढूंढ रहे थे। जब नहीं मिली तो पुलिस को सूचना दी है कि लड़की उनकी गायब। इसी सूचना पर पुलिस और घर वाले आसपास पहुंचे तो एक पहाड़ पर उसकी डेड बॉडी मिली है। घर वालों का शक है कि उसका जो प्रेमी है उमेश जायसवाल नाम है लड़के का, वो भी 22-25 साल का लड़का है, वो 14 तारीख को उसको लेके गया था 14-15 की रात में, और जो संभावना इन लोगों की है कि उसी ने उसका मर्डर करके उसको पहाड़ी पे फेंक दिया है। आरोपी अभी फरार है, FIR दर्ज किया जा रहा है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। FIR दर्ज करके शीघ्र ही इसमें उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। शांति व्यवस्था। सोनभद्र से अरविंद दुबे की रिपोर्ट।